नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल ए 70, मेजर ऑफ एंगल बी 50, एसी इज 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले दो एंगल्स गिवन है, इनका सम चेक करेंगे। 70 प्लस 50 120। ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है क्योंकि दो एंगल्स का सम लेस देन 180 है। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लाइन सेगमेंट हमें दिया है ए सी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नाउ एंगल ए पे दिया है 70 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप ड्रॉ करोगे क्योंकि कंपास से आपको 70 डिग्री ड्रॉ करना नहीं आता, तो कंपास की हेल्प से हमने 70 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। ए ड्रॉ मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। नाउ अब हमें जो सेकेंड थर्ड पता है पॉइंट, वो है मेजर ऑफ एंगल बी इज 50 डिग्री, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट है सी। तो पहले हम फाइंड करेंगे मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम ए पता है, बी पता है, यहां से हम सी का एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मेजर ऑफ एंगल सी 180 माइनस 120, सो एंगल सी इज 60 डिग्री। तो अगर हम सी पे 60 डिग्री ड्रॉ कर दें तो जो ऑटोमेटिकली एंगल बी होगा वो 50 डिग्री होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये हो गया 70, ये हो गया 60, तो थर्ड एंगल 50 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे दिस इज पॉइंट सी, ड्रॉ किया 60 डिग्री का एंगल, सो दिस इज 60 डिग्रीज। इसे हमने नाम दिया एक्स, इसे नाम दिया वाई। सो ड्रॉ मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ बोथ एक्स ए एंड वाई सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए और सी है, तो कौन सा पॉइंट होगा ये जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दिस विल बी द पॉइंट बी, और एंगल बी 50 डिग्री ही होगा। 70 प्लस 60 130 प्लस 50 180। देयरफोर ट्रायंगल एबीसी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्लियर है? दो एंगल हमें ए और बी गिवन है, बट जो साइड है वो ए सी गिवन है। अगर साइड ए बी गिवन होती तो हम बी पे 50 डिग्री बना देते, लेकिन क्योंकि हमें ए सी गिवन है, एंगल ए का पता है, बी का पता है, सी का एंगल हमें नहीं पता, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हमने एंगल सी फाइंड किया 60 डिग्री। तो सी पे 60 डिग्री हमने ड्रॉ किया, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है उसे नाम दिया बी, तो ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्लियर है? नोट कीजिए थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी है एल एम एन। एंगल एल इज 60, एन इज 120। दोनों एंगल्स का अगर हम सम देखें 120 प्लस 60 180, ये तो दो एंगल्स का सम ही 180 है, इट मीन्स ये लीनियर पेयर बन गए दोनों एंगल्स। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें ट्रायंगल फॉर्म करनी है तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री चाहिए। मेजर ऑफ एंगल एल प्लस मेजर ऑफ एंगल एन 60 डिग्री प्लस 120
180 degrees. We cannot construct triangle LMN. Triangle LMN because measure of angle L plus measure of angle N is 180 degree, and we know that sum of three angles of triangle is 180 degree. हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. अगर दो का ही सम 180 हो गया तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ट्रायंगल एल एम एन कंस्ट्रक्ट नहीं की जा सकती. क्लियर? नोट कीजिए.